लोक साहित्य मंच लुधियाना की ओर से हाशिए पर जनतंत्र और मित्र सेन मीत का कथा संसार विषय पर संवाद रचाया गया। इस समारोह की अध्यक्षता श्री राम शरण जोशी ने की और की नोट विनोद शाही जी ने रखा। पर जनतंत्र और मित्र सेन मीत का कथा संसार बीच वक्तव्य के लिए सबसे पहले मैं आदरणीय विनोद शाही जी को जो है मंच पर आमंत्रित करता हूं ताकि हम एक अच्छी बहस की शुरुआत जो है वो कर सकें। डॉक्टर विनोद शाही। मैडम प्रिंसिपल, अध्यक्ष मंडल में उपस्थित मित्रगण, हेतु भारद्वाज जी, सुरेश पंडित जी और मेरे लिए अत्यंत सम्माननीय लाल बहादुर वर्मा जी, आप सब महानुभावों के बीच यहाँ खड़े होकर जब मुझे बोलने का दायित्व निभाना है, बीच वक्तव्य के लिए कहा गया है जिसका मैं अधिकारी नहीं हूं, लेकिन जो बात मैं गहराई से महसूस करता हूं और आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि कम से कम मैं आज अपने आप को सौभाग्यवान मानता हूं कि मैं ऐसे मित्रों के बीच खड़ा हूं जिन्होंने साहित्य की प्रतिबद्धता की हम बहुत बातें सुनते रहे कि प्रतिबद्धता है और प्रतिबद्धता लोगों के साथ होनी चाहिए, जनता के साथ होनी चाहिए, उसके दुख दर्द में साझी वाले लोग आने चाहिए, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग जो केवल ड्राइंग रूम्स के अंदर बैठ करके कलम घिसाई करते हुए अपना दायित्व निभाते थे, उनसे एक अलग तरह की पीढ़ी, एक अलग तरह की रहनुमाई करने वाले लोग हमारे बीच आज उपस्थित हो रहे हैं। जी की जितने मित्र यहाँ जिनके नाम अभी मैंने स्मरण किए हैं, ये सभी मित्र इसी तरह के लोग हैं जिन्होंने साहित्य से अपनी समझ पाई है बहुत सारे दूसरे विषय को ले जाने के लिए और पूरी प्रतिबद्धता के साथ गए। साहित्य किस तरह से लोगों के बीच में जाकर अपनी गूंज अनुगूंज पैदा करता है, किस तरह से अपने गहरे अर्थों के उद्घाटन की ओर निकलता है, इस बात को लोगों के साथ वावस्तकी करते हुए ही समझा जा सकता है। और आज जब हम मित्र सेन मीत के उपन्यासों पर चर्चा के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं तो उसके पीछे भी एक मुख्य हमारी जो मुख्य सरोकार कहिए वो यही रहा कि ये व्यक्ति लोगों के बीच में काम करता हुआ। साहित्य की उस तरह की ट्रेनिंग संभवतः मीत को नहीं है, बहुत सारे लोगों ने मीत के उपन्यासों को पढ़कर कला की दृष्टि से, शिल्प की दृष्टि से कई तरह के बात, कई तरह के सवाल उठाने की कोशिश की है, वो सब दरकिनार कर दीजिए। अगर एक विश्वसनीय अनुभव, एक प्रामाणिक अनुभव कोई उपन्यास आपको देता है, जीवन एक बेचैनी पैदा करता है उस दुख दर्द को महसूस करने के लिए, उस दुख दर्द में शरीक होने के लिए जिसकी यंत्रणा को हर आम आदमी जो न्याय व्यवस्था के बीच में से होकर के गुजरता है उसको महसूस करता है, तो ये उपन्यास सफल ही नहीं, इनके ऊपर गहरी चर्चा होनी चाहिए। और गहरी चर्चा इस लिहाज से नहीं होनी चाहिए कि मित्र सेन मीत बड़े उपन्यासकार हैं कि छोटे उपन्यासकार हैं, कि इन उपन्यासों के अंदर ये दिखाई देता है या वो दिखाई देता है, बात ये होनी चाहिए कि ये उपन्यास जो बेचैनी पैदा करते हैं उसकी वजह से हमारे ऊपर क्या जिम्मेवारियां आयत होती हैं, हम इस व्यवस्था की बाबत क्या सोचें जो व्यवस्था इतनी घुटन भरी स्थितियों को, ऐसी संस्थाओं को जन्म देती है, लोगों को इस तरह की दुख तकलीफों के अंदर से होकर के गुजारती है, उस व्यवस्था को, उस देश को, उस दुनिया को लेकर हम क्या करेंगे और उस दुनिया के अंदर हमारी क्या जिम्मेवारी बनती है कि हम उसके अंदर एक तब्दीली पैदा करने के लिए शिद्दत से किस तरह से बाहर आएंगे, क्या काम करेंगे। अगर ये बेचैनी हमें उन दिशाओं में सोचने की ओर ले जाती है तो एक उपन्यासकार सफल है। और मैं उसी पीड़ा को महसूस करते हुए उन सवालों को लेकर के आपके बीच में यहाँ उपस्थित होना चाहता हूँ और उन सवालों को इन मित्रों से बांटने का अधिकारी मैं निश्चित रूप से नहीं हूँ, लेकिन अपनी पीड़ा को बांटने का अधिकारी हर व्यक्ति होता है, केवल उस लिहाज से मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा।
ये साहित्य हमें, अगर कोई साहित्य साहित्यिक कृति, महत्वपूर्ण कृति कोई आईना दिखाती है, प्रश्न खड़े करती है, तो हम विचार करें कि हमारे ये उपन्यास इस तरह के क्यों हैं और वो कहाँ तक हमें लेकर के जा रहे हैं। और उस कड़ी में अगर मित्रसेन मीत के उपन्यासों को आज हम चर्चा करने के लायक मानते हैं, तो मैं यहाँ हाशिए पर गए हुए जनतंत्र के दूसरे पहलू से आपके साथ मुखातिब होना चाहूंगा। आजादी के दौर में हम लोग लड़ रहे थे, जो महत्वपूर्ण काम हुए उस दौर के अंदर लड़ते हुए, गोखले साहब, तिलक, उसके बाद चलते चले आए महात्मा गांधी, भगत सिंह, बड़ी लड़ाइयां कोर्ट कचहरियों के अंदर न्याय व्यवस्था के खिलाफ खड़े होते हुए और वहां से जारी करते हुए वक्तव्यों के भीतर से आते हैं। एक तरफ सोशल एक्टिविज्म है और उसकी कल्मिनेशन जहां होती है वो कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था के आसपास को आकर के खड़ी हो जाती है। गांधी थोड़ा आगे जाते हैं, वो कहते हैं केवल न्याय व्यवस्था की लड़ाई लड़ने से नहीं होगा, इस लड़ाई को हमें आर्थिक लड़ाई में बदलना पड़ेगा, स्वदेशी की लड़ाई में बदलना पड़ेगा, कहीं अर्थतंत्र पे भी चोट करनी पड़ेगी। वो इसकी दूसरी डायमेंशन है जो गांधी के आने के बाद उभरती है। लेकिन आरंभ से जिस तरह से हम लोग लड़े उस गुलामी से, उस औपनिवेशिकता से, जनतंत्र के उस आरोपित रूप से जिस तरह से हम लड़े, उसके केंद्र में कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था आकर के खड़ी हो गई। और कोई वजह है कि इस न्याय व्यवस्था के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए हमें जब कोई बात करने की जरूरत पड़ती है तो एकदम पूरी व्यवस्था याद आती है। आज भी याद आता है कि हमारे देश के अंदर जनतंत्र की स्थिति क्यों है, ये आलोचना करने लायक वस्तु क्यों बन गई है, क्या हमें जनतंत्र का ही बदल सोचना होगा जैसे गांधी सोचते थे कि जनतंत्र तो बांझ है, कि वो वेश्या है, कि उसके भीतर से तो कुछ अच्छा पैदा नहीं होगा, वो तो जारित संतान है पश्चिम की। वो इस ढंग से अगर सोच रहे थे तो क्या भारत के पास कोई अल्टरनेटिव, कोई विकल्प है इस जनतंत्र का, और क्या इस लड़ाई को लड़ने के लिए वाकई न्याय व्यवस्था पर हमारा ध्यान केंद्रित होना जरूरी हो गया है। ये सवाल मित्रसेन मीत के उपन्यासों को पढ़ने के बाद निश्चित रूप से हमारे भीतर कहीं ना कहीं गहराई से जगते हैं। और यहाँ एक और चीज की तरफ मैं इशारा करूंगा जिसकी वजह से मित्रसेन मीत के उपन्यास मुझे और गहराई से विवेचन करने लायक कृतियां लगते हैं। भारत को अगर हम देखें और भारत की न्याय चेतना को और उस गहरी मिथकीय चेतना को देखें, तो मैं याद करता हूं कि हमारे यहाँ जो ईश्वर की अवधारणा निकल कर के आती है और ईश्वर का जो चेहरा दुनिया में दिखाई देता वो तो मौत का चेहरा है, यमराज का चेहरा, पीछे ईश्वर छिपा हुआ है। तो यम के रूप में जो ईश्वर है, जितना वो दुनिया के अंदर झलकता है, वो न्यायकारी है। उसको तो हमने कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था के केंद्र में लाकर के कहीं खड़ा कर दिया है और उसको एक गति दे दी है न्यायाधीश की कि भाई तुम फैसला करो, सारी दुनिया जो है इसके कर्मों का हिसाब किताब रखो, वही खाता खोल दिया गया है कि हिसाब किताब कर दो, जिसके खाते में जो हो, असली न्याय तुम्हें करना है। अब ये जो विचार पैदा हुआ होगा मिथकीय दौर में, वो संभवतः इस लिहाज से पैदा हुआ होगा कि दुनिया में तो भाई न्याय दिखाई नहीं देता। अब जब दुनिया में जो चीज नहीं होती उसको हम ईश्वर की धारणा के साथ जोड़कर वहां उसका सार्थक तो खोजने की कोशिश किया करते हैं, तब हम एक धारणा बना लेते हैं, हमारे सामने उस तरह के पात्र खड़े हो जाते हैं जैसे यहाँ ईश्वर और यमराज ये दंडधारियों के रूप में पैदा हो गए और वो दंड देते हैं और न्याय करते हैं, तो और असली न्याय वहां जाकर के होता। और ये हमारी लोक चेतना के अंदर बड़ी गहराई से ये बात है, हर व्यक्ति कहता है हिसाब तो देना पड़ेगा, आखिरकार तो न्याय होगा, हर चीज का न्याय होगा, मत करो छल कपट, मत करो इस तरह की बातें, ये जो तुम सारी बातें कर रहे हो, झूठ मत बोलो, किसी से बड़े मत करो, पैसा मत ऐंठो, कत्ल मत करो, ये चीजें यूं ही पड़ी हुई है लोक चेतना के अंदर, लेकिन वो ईश्वर के पर्दे के पीछे पड़ी है। वहां से जरा ईश्वर को हटा दीजिए और इस लोक चेतना की थोड़ी हम अपने धरातल पे खड़े होकर थोड़ी व्याख्या करने की ओर अपना रुख करें, तो साफ दिखाई देगा कि पूरा भारत अपनी चेतना के धरातल पर न्याय व्यवस्था के विकल्प की बात सोचता हुआ अपने दर्शन को विकसित करता और यहां तक चलाता है। हमारे आज के दौर तक हम कहीं ना कहीं गहराई के अंदर उस न्याय व्यवस्था के ऊपर केंद्रित हैं जो सत्ता का असल चेहरा होता है,
सत्ता तो पीछे छिपी है। पश्चिम में जितने ये इंकलाब हुए रक्त रंजित क्रांतियों के माध्यम से आए, जनतांत्रिक क्रांति भी रक्त रंजित है, उसकी ओर भी थोड़ा समय इशारा करना चाहूंगा आगे चल करके। ये जो सब हो रहा है वहां पर सत्ता के परिवर्तन के ऊपर ध्यान केंद्रित है। सत्ता को बदलिए। हमारे यहाँ सत्ता पीछे खड़ी है, न्याय व्यवस्था आगे खड़ी है। हम न्याय व्यवस्था को आगे कर लेते हैं और हम सत्ता की व्याख्या भी उसी लिहाज से करते हैं, उन व्यक्तियों को केंद्र में रखते हैं। हमारे नायक, बड़े नायक कौन है? अगर राम नायक है या विक्रमादित्य नायक के रूप में उभरते हैं या मध्य का और आगे आ जाए मुगल काल में जहांगीर हमें एक न्यायप्रिय शासक लगता है या अकबर लगते हैं, तो ऐसे लोगों को लोक चेतना ने केवल एक कारण से अपना लिया या अपने अंदर गहराई से आत्मसात किया कि भाई वहां ऐसा न्याय मिलने की उम्मीद हो सकती थी इन शासकों के पास जिसमें आम आदमी की शायद कोई पहुंच रही होगी कि विक्रमादित्य वेश बदल कर आएंगे, हमारे दुख दर्द का कच्चा चिट्ठा ले जाएंगे और कल को न्याय हो जाएगा, कि जहांगीर के एक घंटा बजाएंगे चौक के अंदर जाकर के वहां तक आवाज पहुंच जाएगी, शायद हमारी बात सुनी जाए। तो न्याय व्यवस्था के विकल्प की बाबत जो कुछ लोक चेतना में ये तमाम किस्से कहानियां और चीजें हमने इकट्ठी करके अपने भीतर कहीं गहराई के अंदर आत्मसात करके रखी हुई हैं, कहीं ना कहीं हमारी वो लोक चेतना काम कर रही है जिसके केंद्र में न्याय व्यवस्था बैठी हुई है और हम न्याय व्यवस्था के ऊपर केंद्रित होकर के अपनी चेतना का विकास करते हैं। और एक चीज और जो मुझे महत्वपूर्ण लगी और यहाँ पे ये बात आपसे साझा कर लेता हूं मैं कि यहाँ पे जब यमराज के बही खाते की बाबत मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि भारत तो शुरू से क्योंकि बनियों का देश रहा तो बही खाता तो केंद्र में रहेगा ही, तो हिसाब किताब करने वाले लोग हैं हम, तो हमारे यहाँ क्या ये मुमकिन नहीं कि इस हिसाब किताब करने वाले देश की चेतना इस पूंजीवाद के दौर में अर्थतंत्र के केंद्रित हो जाने के दौर में यहां पर एक वैकल्पिक न्याय व्यवस्था की खोज के लिए हम शायद कहीं और गहराई से सोच पाएंगे और ज्यादा बड़ी हिस्सेदारी पूरी दुनिया के मंच के ऊपर निभाने के लायक हो सकेंगे? क्या कहीं ऐसी बात की ओर ये पूरी की पूरी परंपरा धारा हमें हमारा हाथ पकड़ कर हमें उधर तो नहीं ले जा रही? और नीत मित्र से नीत के उपन्यासों को बड़े ध्यान से मैं खोजता रहा, बीच बीच में इस तरह के संकेत आते हैं, कई न्यायाधीश इस तरह के दिखाई देते हैं, सब तरह के काम कर रहे हैं, एक न्यायाधीश कई तरह के मुकदमे सुनता है, कई तरह का दबाव भी झेलता है, उसके मुताबिक चलता है, फिर अचानक उसके जीवन के अंदर कोई छोटी सी दुर्घटना हो जाती है, उसके अपने बेटे के साथ हादसा हो जाता, बदल जाता साधु सिंह और बदल करके अचानक वो न्याय करने लगता और लोगों को लगता है कि भाई इसकी कचहरी के अंदर मुकदमा गया तो अब न्याय होगा, इसलिए यहां मत जाए, यहां ना जाए, इसके ऊपर ध्यान केंद्रित है सबका, क्योंकि अगर न्याय हो गया तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। और ये परिभाषा देखिए जो मित्र से नीत के उपन्यास हमें देते हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था ऐसी हो गई कि अगर उसमें कोई एक न्यायाधीश न्याय करने लगता है तो हम सब पूरे के पूरे लोग, अपराधी भी निरपराधी भी, सब लोग मिलकर के इकट्ठे हो जाते हैं कि भाई इसके कचहरी के अंदर ना जाए, क्योंकि ये तो फैसला फिर उस तरह का सुनाएगा जो हमारी सुविधाओं के मुताबिक नहीं होगा। हमने न्याय को किस तरह से अपने इस भ्रष्टाचार के पूरे तंत्र के अंदर ढाल करके अपनी सुविधा बना ली, और वो सत्ता की सुविधा नहीं है, उस सत्ता की सुविधा में पूरा का पूरा उच्च वर्ग और मध्य वर्ग दोनों शरीक हो गए, निम्न वर्ग हाशिए के ऊपर है। तो हाशिए पर अगर कोई है तो वंचित लोग हैं, आम लोग हैं, साधारण जन है, वो तो हाशिए के ऊपर पहले से बैठे हुए हैं, उनकी सुनता कौन है, उनके मुकदमे कहां जाएंगे, इसकी परवाह कौन करता है? और अगर एक निरपराध आदमी को एक जेब कतरे को उठा करके बड़े बड़े संगीन जुर्मों के लिए कहां दूर तक धकेल दिया जाता, पूरी जिंदगियां बर्बाद कर दी जाती हैं, तो किसको चिंता है? हाँ, एक उच्च वर्ग का आदमी, उसके ऊपर मुकदमा चल जाए, कोई राठौर के ऊपर मुकदमा चलता हो पूरा देश उसके अंदर रुचि रखता है, एक किसी डॉक्टर की तफ्तीश हो रही हो पूरा देश टीवी के ऊपर आंखें गड़ा करके बैठ जाता है कि भाई इसकी बेटी का कत्ल हुआ, ये जिम्मेवार है या कोई दूसरे लोग जिम्मेवार है, और अगर उस व्यक्ति को पकड़ करके 4 दिन के लिए हिरासत के अंदर रखा गया है तो पूरा देश उसके लिए चिंतित हो जाता है कि भाई डॉक्टर को पकड़ के 4 दिन बिना कारण से रख लिया, बड़ा बड़ा जुल्म हुआ, और
जिन गरीब लोगों को वंचितों को महीनों महीने अंदर रख दिया जाता, आवाज तक नहीं उठती, और ये चलन है पूरा पूरा व्यवस्था, पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था भयानक रूप से दमनकारी चरित्र वाली व्यवस्था हो गई। लेकिन उसके अंदर क्यों ये व्यवस्था बची रह गई है, क्योंकि उच्च वर्ग और मध्य वर्ग दोनों की साझेदारी से ये व्यवस्था चलाई जा रही है, उसको उसको सुविधा बना लिया गया। और मुझे याद आता है कि गांधी स्वराज में एक जगह ये बात कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ये जो जनतंत्र आया, ये जो न्याय व्यवस्था आई, ये उच्च वर्ग और अंग्रेजों की मिली भगत से आई, दोनों इकट्ठे हो गए हिंदुस्तान के अंदर और दोनों ने दमन करना शुरू कर दिया है, तो दोनों की वजह से आई है, आम आदमी तो इससे बाहर है। चलते चलते गांधी के समय तो मध्य वर्ग का विकास उतना नहीं हुआ था, अब मध्य वर्ग के भीतर से भी एक बड़ा समूह निकल आया। निम्न मध्य वर्ग की बात रहने दीजिए, वो तो साधारण सामान्य व्यक्ति है। दुनिया में कहीं भी जिस तरह का मध्य वर्ग जब हम बात करते हैं, वैसा मध्य वर्ग उतने कम कीमत वाला या 2,000-5,000 रुपए महीना कमाने वाला कोई अध्यापक या कोई रिक्शा चालक जब एक जगह खड़े हो तो उसको मध्य वर्ग कहना काफी मुश्किल हो जाता है। तो हमारे यहाँ मध्य वर्ग की परिभाषाओं के ऊपर थोड़ा विचार तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उच्च मध्य वर्ग और उच्च वर्ग ने तो हाथ मिला लिए हैं और इस तरह की न्याय व्यवस्था एक हमारे सामने खड़ी कर ली है, जिसके पीछे खड़े होकर वो अपना दमन चक्र चलाए रख सकते हैं और कभी व्यवस्था के बदल के बारे में सोचते हैं। और वो जो पश्चिमीकरण जिसकी ओर इशारा किया गया था कि ये जनतंत्र तो बाहर से आया, अब ये बात हमें समझ में नहीं आती कि आरोपित है, ये तो पश्चिम की लाई हुई चीज है। इसको अगर हम अब थोड़ा शक्ल बदल कर यूं समझ लें कि भारत से अंग्रेजी आज तक नहीं जा रही, कॉन्वेंट की शिक्षा आज तक नहीं जा रही, वो हमारी जरूरत है, सबकी जरूरत है। हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके इस लायक बनाना चाहते हैं कि भाई किसी MNC के अंदर उनकी जगह बने या वहां से होते हुए वाया MNC एक रूट बने और विदेश चला जाए हमारा बच्चा, तो बस जिंदगी बन गई। पूरा का पूरा मध्य वर्ग इस प्रवासी कृत मानसिकता के अंदर आकर के खड़ा हो गया है, तो ये पूरा का पूरा तंत्र तो बन गया। और ये पश्चिमीकरण है जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी व्यवस्था ज्यों की त्यों खड़ी कर ली जाती है। और न्याय होने लगेगा तब तो बड़ी भारी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, फिर पैसे से आप खरीद कहां सकोगे। अब ये जो पूंजीवाद का भ्रष्ट चेहरा है, जिस साम्राज्यवाद शब्द से हमें बात समझ में नहीं आती, लेकिन भ्रष्ट बना करके लोगों को सत्ता को खरीद लिया जाए, ये भी तो साम्राज्यवाद का एक रूप है। और इसके ऊपर नॉम चॉम्स्की और दूसरे लोगों ने बार बार लिखा कि किस तरह से सरकारें खरीद ली जाती हैं, उनके मत खरीद लिए जाते हैं, बहुमत को खरीदने के लिए पैसा बहा दिया जाता है तीसरी दुनिया के देशों के अंदर ताकि वर्ल्ड एक्ट उनके फेवर के अंदर चला जाए। तो ये एक नई तरह की गुलामी का तंत्र है, एक जाल है जिसके अंदर पूरी दुनिया को उलझा करके रखा गया है। और इस तरह की न्याय व्यवस्थाएं जिनको भ्रष्ट बना दिया गया ताकि दमन जारी रह सके, ताकि सामान्य लोग को हाशिए के ऊपर रखे रखना जारी रखा जा सके, तो इस तरह की तमाम स्थितियां हमारे यहाँ अभी भी वाबस्ता हैं। और मित्र से नीत के उपन्यास पढ़ते हुए निश्चित रूप से हमारा ध्यान इन तमाम सवालों के ऊपर जाता है कि भाई न्याय व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब है अब हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी सत्ता व्यवस्था कैसी होगी, अब हमें सोचना पड़ेगा उसकी संस्थाएं कैसी होंगी, उस संस्थाओं को खड़े करने वाला संस्कृति का तंत्र जो अभी भी अभिजन के हाथ में है, अभी भी उच्च वर्ग और उच्च मध्य वर्ग की यह मानसिकता और उसके हितों की रक्षा करने वाले लोगों के हाथों के अंदर है, तो उसके साथ हम करें क्या। ये तमाम सवाल और ये बेचैनी हमारे इन उपन्यासों को पढ़ते हुए निरंतर होती है कि भाई हम करें क्या। और ऐसी बेबसी की रास्ता कोई नहीं है, और अगर रास्ता कोई नहीं है तो रास्ता तो निकालना पड़ेगा, फिर तो इसके बिना गुजारा नहीं होगा। लेकिन वो कैसे निकलेगा और किस तरह से एक भविष्यमुखी संरचना की तरफ हम आएंगे, और उसके लिए भारत में अगर हम फिर दोबारा से उसी परंपरागत न्याय व्यवस्था की तरफ ध्यान दें, तो हमारे यहाँ बात उठती है कि भाई मनुष्य को केंद्र में तो लाना पड़ेगा। और जब हम मनुष्य को केंद्र में लाने की बात कहते हैं तो उससे कई दफा बहुत विभ्रम पैदा होता है। मनुष्य का मतलब होता है एक वर्गविहीन चेतना वाला आदमी, जो बटा हुआ ना होगा। और अभी तक तो यही हुआ कि जो अतीत और मध्य काल तक चली आ रही सारी व्यवस्थाएं उच्च वर्ग के हाथ में केंद्रित है, उसके बाद मध्य वर्ग उसके अंदर शिरकत करने लगता है, तो कहीं ना कहीं वर्ग विभाजित मानसिकता की दखल से पैदा हुआ संस्कृति तंत्र और न्याय तंत्र हमारे सामने है।
वो वैसी की वैसी दखल है। और आप देखिए कि वहां क्या साजिश होती है, मनुष्य को केंद्र में लाने का मतलब है एक वर्गविहीन चेतना वाले आदमी को लाने की बात। तो साजिश ये होती है कि जब अतीत की बात उठाए वहां पर मनुष्य को दैवी बना दिया जाता है। अब दैवी हर आदमी तो हो नहीं सकता, देवता तो अभिजन होगा, कोई बड़ा आदमी होगा, शरीर को पवित्र घोषित कर दीजिए, उसको देवता बना दीजिए, तो मनुष्य देवोचित है। और न्याय क्या होगा कि भाई यज्ञ किया गया है उसमें सब लोग अपनी आहुतियां डालिए, यानी अपना कर टैक्स जो भी है वो अंशदान उसके अंदर डालिए, और जो यज्ञ शेष बचता वो किसमें बटेगा, वो तो भाई देवों का अधिकार है, देवा भागम, और उसी देवों के भाग को बांटने वाली एक स्थिति के अंदर उसको खपा लिया जाएगा, आत्मसात कर लिया जाएगा। तो ये व्यवस्था आप देखिए किस तरह से अभिजन को केंद्र में लाकर, देवता को केंद्र में लाकर, मनुष्य का पवित्रीकरण करते हुए आम आदमी को उससे बाहर कर दिया जाता, चुपके से बाहर कर दिया जाता। बेशक मध्यकाल में आवाज उठती है कि भाई आप आम आदमी को बाहर कैसे करते हो, ईश्वर तो हर एक देह के अंदर निवास करता है, हर एक देह के अंदर, तो हृदय के अंदर देखिए, अंदर निगाह घुमाइए, वो राम तो आपको वहां छिपा हुआ दिखाई देगा। भक्ति काल के संत हमारे सामने इन तमाम चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं उपस्थित होते हैं। लेकिन तब हालात जब ये थोड़ा सा शिल्पी वर्ग पैदा होना शुरू हुआ था, व्यापार तंत्र हमारा सामने आया और शहरीकरण की एक खास तरह की मात्रा सामने आई, भक्ति काल का आंदोलन उसके साथ साथ चलता है, और वहां से थोड़ा थोड़ा मध्यवर्ग विकसित होते होते हमारे आज के दौर के मध्यवर्ग के विकास तक पहुंचता है, तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे संस्थाकरण होता जाता है। तो मनुष्य की बात कम, संस्था कृत मनुष्य की बात ज्यादा होने लगती है कि भाई ये संस्थाएं पवित्र हैं, इन संस्थाओं को बचाइए, इन संस्थाओं की हिस्सेदारी के साथ अगर मनुष्य चलेगा तो वो मनुष्य है। तो ये मनुष्य एक नई तरह का मनुष्य आया जिसको आधुनिक काल में परिभाषा दी कि भाई ये नागरिक मनुष्य है। अब नागरिक शब्द भी सोचने लायक है, सिटीजन, नगर में रहने वाला। अब ये जो इस तरह के शब्द आते हैं, ये यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर जो शहरीकरण का एक बड़ा व्यापक रूप और उठान वाला रूप और बड़ा पॉजिटिव, बड़ा विधायक रूप आया, उसके साथ कहीं ना कहीं इन शब्दों का विकास हो जाता है। लेकिन तीसरी दुनिया के मुल्कों में इन शब्दों का क्या करें, ये शब्द यहाँ फिर वही दरार डालते हैं जहां शहर और गांव हमें विभाजित लगते हैं, जहां सवर्ण और वंचित लोग हमें विभाजित लगते हैं, दोनों के बीच ऐसी दरार है। और मित्र सेन नीत के उपन्यासों में साफ दिखाई देता है कि उच्च वर्ग और मध्य वर्ग के लोग न्याय व्यवस्था का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, और निरअपराध लोग, सामान्य लोग, निम्न कोटि के लोग, वंचित लोग कैसे फंस रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं है, अब जिंदगी तबाह हो रही है उनकी, और वो लोग हाशिए पर है। तो ये जो हाशिए पर जनतंत्र है, ये असल में उन लोगों के हाशिए पर जाने के हालात हैं जिन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, और इस हाशिए पर गए हुए लोगों की बाबत हमें सोचना होगा। बेशक यहाँ अगर जनतंत्र हाशिए पर जाता तो हमारे सामने सवाल जनतंत्र को बचाने का भी नहीं होना चाहिए, हो सकता है कुछ और आए, हो सकता है समाजवाद आए, ना आए समाजवाद तो कोई नया मनुष्य तंत्र आए, जो भी आए, लेकिन वो मनुष्य के पक्ष में होना चाहिए। मनुष्य किस मनुष्य के पक्ष में, यानी दैवी मनुष्य का युग चला गया, नागरिक मनुष्य का युग चल रहा है, अब अगला जो मनुष्य आएगा वो मनुष्य जन होगा। जन के रूप में मनुष्य को बचाने की बात संभवतः हमारे सामने आएगी। इस संदेश के साथ मित्र सेन मीत के उपन्यासों को हम लोग पढ़ें, उसकी गहराई में उतरें, और उस बेचैनी को लेकर अपने घरों में जाएं और सोचें कि हमें इस व्यवस्था को बदलने के लिए कहां अपनी हिस्सेदारी निभानी है। इन शब्दों के साथ मैं बात समाप्त करूंगा।